हेलो एवरीवन, मैं मोहित सिंह चौहान आज बात करना चाहता हूं आपसे COVID-19 के बारे में। हम जाने नोवल कोरोना वायरस डिसीज 2019 को, जो COVID-19 नाम दिया है वो COVID-19 इससे बना है COVID-19। एक्चुअली ये एक ऐसा वायरस है जो 2003 में आई एक बीमारी जिसका नाम था सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी ऑफ सिंड्रोम, जो सांस लेने में होने वाली तकलीफ से रिलेटेड ये जो बीमारी थी वो इसी के वायरस की वजह से पनपी थी। लेकिन वो वायरस इतना इफ़ेक्टिव नहीं था जितना कि COVID-19 है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि इसके बारे में किस तरह से हम कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं और आज किस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। ये जो डिसीज़ है ये हमारे लंग्स से रिलेटेड एक बहुत बड़ी क्रिटिकल कंडीशन डेवलप कर देती है, इसलिए हम सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान रखें कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हम अपने लंग्स को मजबूत बनाने के लिए एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, डेली एक किसी बलून को इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके फुलाएं। दूसरा एक तरीका, भूखे पेट जब आप थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर लेटें तो अपनी कमर के नीचे इस पोर्शन पर तकिए को कुछ इस तरह से लगाकर आप लेटे और जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं अपने आप को करें। ऐसा करने से हमारे जो फेफड़े हैं वो फैलेंगे और उनको सफिशियंट ऑक्सीजन मिलेगी। नंबर 3, एक नींबू का जूस निकालकर आप डेली पिएं। नंबर 4, यदि आप थोड़ा सा एगिटेरियन हैं तो आप एक अंडा रोजाना अपनी डाइट में शामिल कर लें, जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। तो ये तो वो छोटी छोटी सी चीज़ें थी जिनको कि हम अपनी डेली लाइफ में अडेप्ट कर सकते हैं और हम ये कोरोना वायरस से जो डर एक स्थिति बनी हुई है उसको हम दूर कर सकते हैं। नॉर्मल फीवर के टाइम में हमें डॉक्टर एक कोई एंटीपायरेटिक ड्रग और एक एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन हमको देते हैं जिससे हमारा बुखार रिलीज हो जाता है। कुछ कॉमन एंटीपायरेटिक्स जो हैं उनमें वेरी कॉमन पैरासीटामोल होता है या ब्रूफेन होता है या एस्प्रिन या नेप्रोक्सिन या एसिटोमिनोफेन, इनमें से कोई एक एंटीपायरेटिक होगा और उसके साथ में कॉम्बिनेशन एक एंटीबायोटिक दे देते हैं जिसमें मोस्ट कॉमनली सिप्रोफ्लॉक्सेसिन होता है। अदरवाइज यूज़ किया जा सकता है एमोक्सिसिलिन या सेफ्ट्रायोक्सोन या एजिथ्रोमाइसिन। यहाँ बात आती है कि यदि किसी पेशेंट की कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आती है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिसेंटली जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है वो इस कॉम्बिनेशन के साथ किया जा रहा है, पैरासीटामोल इंक्लूडिंग एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन जो है एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो हमारी रेस्पिरेशन में मीन्स हमारे श्वसन तंत्र को स्वस्थ करने के लिए काम में लाया जाने वाला एंटीबायोटिक है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से कोविड पॉजिटिव पेशेंट का ट्रीटमेंट अंडर द मेडिकल प्रैक्टिशनर, उनके गाइडेंस के अनुसार जो ट्रीटमेंट दिया जाता है नॉर्मल फीवर के लिए, वो दो चीज़ें ये हैं जो कि नॉर्मल फीवर में दी जा सकती है। पर यदि कोई पेशेंट कोविड पॉजिटिव है तो उसे डॉक्टर इन दो चीज़ों के साथ में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टेबलेट और डेक्सोना टेबलेट, ये बाइपोलर डिसऑर्डर को ठीक करती है। इसके साथ में ये हो गया आपका शेड्यूल कोविड ट्रीटमेंट। इसके साथ में इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए साथ में दिया जाता है जिंक का टेबलेट, मल्टीविटामिन टेबलेट, विटामिन सी का टेबलेट और एक एंटीटसिव सिरप जो खांसी में काम में आता है जिसमें कि मोस्ट कॉमनली डेक्सोमेथोरफेन होता है, वो सिरप दिया जाता है। साथ ही पेशेंट को DNS का बॉटल दिया जाता है और इन केस ऑफ इमरजेंसी ऑक्सीजन मास्क, ताकि थोड़ा सा सांस लेने में कंफर्ट हो। अगर थोड़ा सा इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया है किसी पेशेंट के लंग्स में तो फिर उसे वेंटिलेटर पर ले जाया जाता है और वहाँ से भी पेशेंट रिकवर होकर अपने घर आ सकते हैं। सो किसी भी तरह से आप नहीं डरें, जब तक कि वैक्सीन प्रिपेयर नहीं हो जाता है इन इंडिया डेथ रेट बहुत कम है क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। बिल्कुल नहीं घबराएं और सभी अपने घर पर श्योर रहें, साथ ही थोड़ा सा माइल्ड एक्सरसाइज लें ताकि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे और हम मेंटली
फिट रहें। सो थैंक यू वेरी मच।